हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंतर्गत एक समस्या है। समस्या ये है कि सर, जनरल वाउचर में किन किन चीजों पे टीडीएस कटता है और कैसे कैसे काटेंगे, कैसे कैसे एंट्रीज करेंगे कि ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। हालांकि इस पर टीडीएस पर काफी डिस्कशन हो चुका है, काफी वीडियोज भी बनी है, लेकिन आज की ये वीडियो खास है क्योंकि कम से कम 3 या 4 सेक्शंस बताऊंगा आपको जिसमें टीडीएस डिडक्ट होगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा, ठीक है। वो तमाम बातें बताऊंगा जिससे कि आप आसानी के साथ ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेट कर पाएंगे टैली के अंदर, और ये भी बताऊंगा कि टीडीएस किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, मंथली होगा या ईयरली होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब बातें बताऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वो कंपनी चूज कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें जीएसटी कंपनी के अंदर टीडीएस एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो टीडीएस को एक्टिवेट करने के लिए ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, यहीं पर रहते हुए आपको कीबोर्ड से फंक्शन बटन F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करते ही ये विंडो आएगी, यहां से आपको कहां जाना है, ये देखिए टीडीएस, ये देखिए इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस नो है, इसको आप यस कर दीजिएगा और यस करते ही ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद से आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, तो जो भी आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आप गलत डाल देंगे तो वो जो है दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे ये वार्न भी करता है आपको अगर आप गलत डालते हैं तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर गलत डाल देता हूँ तो ये मुझे वार्न करेगा, बताएगा कि देखिए यहाँ पे इनवैलिड 10 स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। तो यहाँ पे देखिए ये 4 अल्फाबेट और 5 न्यूमेरिक होना चाहिए, हमने 4 ही न्यूमेरिक रखा हुआ है तो इसको 4 अल्फाबेट और 5 न्यूमेरिक कर देते हैं, ठीक है, और फिर 1 अल्फाबेट कर देते हैं। तो ये हो गया, अब इसमें कोई एरर नहीं आया, आगे बढ़ेंगे। ये ब्रांच है, कंपनी रखेंगे ऊपर हम, यहाँ पे ब्रांच देवरिया हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन यस मिस्टर आकाश, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो टीडीएस काटेंगे, सन ऑफ डॉटर ऑफ ये सब भर भर लीजिएगा। यहाँ पे इनकी पैन आईडी आएगी, तो यहाँ पे जो भी इनकी पैन आईडी है वो डाल दीजिएगा, और पैन आईडी करेक्ट डालिएगा। यहाँ पे देखिए ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे पैन आईडी एकदम करेक्ट रहे ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो अभी करेक्ट हो गया, अब ये एंटर करेंगे। इनका एड्रेस वगैरह फिल आपको करना है, पूरा एड्रेस फिल करते हुए एंटर करते हुए नीचे आइएगा। जब नीचे आइएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, बस यहाँ पर आकर के इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और फिर तो आपको एंटर करते जाना है और फिर लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये हो गया टीडीएस एक्टिवेट, तो एक्टिवेशन का इतना प्रोसेस है, ठीक है। अब एक्टिवेशन के बाद हमें क्या करना है, अब हमें टीडीएस अप्लाई करना है। तो टीडीएस किन किन चीजों पे अप्लाई करना, देखिए पहला जो टीडीएस हम अप्लाई करेंगे, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो उस पे टीडीएस कटता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और एक हद से ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, ठीक है, कितना ब्याज मिलता है, तो मोर देन 40,000 एक साल में आप ब्याज अर्न कर लेते हो तो उस पे टीडीएस कटता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 40,000 से ज्यादा ब्याज अर्न करने पे एक साल में आपका क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा, ठीक है। अगर पैन कार्ड है तो 10% ही कटेगा, आप बाद में उसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% या 30% या 40% भी आपका कट सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, सैलरी पे भी टीडीएस कटता है, और सैलरी पे हर महीने टीडीएस कटता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सैलरी पर हर महीने टीडीएस कटेगा, और इसका सेक्शन जो है 192 होगा, कितना होगा, 192। और एफडी वाला जो होगा, एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसका सेक्शन होगा 194A, ठीक है। तीसरा जो है, अगर आप कहीं जाते हैं होटल लेते हैं तो होटल अगर उनका GSTIN है या तमाम चीजें हैं तो उसपे भी टीडीएस कटता है, जो उनको इनकम होती है होटल वालों को उसपे भी टीडीएस कटता है, कितना कटता है, उसपे भी 10% टीडीएस डिडक्ट होता है इनकम पर, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक क्राइटेरिया बना दी गई है कि अगर आप 5 लाख से ज्यादा अर्न करेंगे तो आप कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर कैसे क्या होगा, अब तो हमने ये एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, चलाएंगे कैसे, और कैसे कैसे क्या होगा, तो जनरल वाउचर में ही सारी एंट्रीज करनी है हमको। तो एक बार आपने सेटिंग कर दिया तो हर बार टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, वी बटन प्रेस करके आ जाते हैं, अब ये पेमेंट दिख रहा है, हमें जाना है जनरल यानी F7 वाले में जाना है, तो हमको कीबोर्ड से F7 ही प्रेस करना है, F7 प्रेस कर देते हैं, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको डेबिट दिखाई देगा, तो आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम हम करते हैं Alt C करके एक
लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। किसका लेजर क्रिएट करेंगे? इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट यानी ब्याज, तो आई एन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट लिखने के बाद एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो नीचे आइएगा और यहां पे ग्रुप क्या बनेगा आपका, आपका ग्रुप बनेगा, अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, ठीक है। तो यहां पे इनडायरेक्ट इनकम करिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है। तो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो इनडायरेक्ट इनकम में इसे डाल देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हुए नीचे आते हैं। यहां पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहां पर नीचे आपको मिलेगा सेट ऑब्लिक अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो अर्लियर वर्जन है, जो मोस्ट जो अभी न्यूअर वर्जन है उसमें जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, एंटर एंटर करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में ये छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे यस रखना है, यस रखते ही ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है तो यहाँ पर आपको इसे डिफाइन करना होगा, इसे अनडिफाइंड नहीं रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए एंटर करके आइएगा, और जैसे ही एंटर करके आते हैं तो इसको यस रखना है और यहाँ पर ए प्रेस करना है, तो ये एप्लीकेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात है एफडी की, तो हम यहाँ नेचर ऑफ लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे बना लेता हूं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड FIXED डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है, ये बना लिया हमने, और एंटर करेंगे, और एंटर करके इसका सेक्शन डालेंगे। तो इसका सेक्शन क्या होता है, तो इसका सेक्शन होता है 194A, तो यहाँ पे 194A कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट कोड, तो जो इनका पेमेंट कोड हो और रेमिटेंस कोड हो वो दोनों डालते हुए, ठीक है। यहाँ पे 10% का TDS डिडक्ट हो रहा है सैलरी के ऊपर, और थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है, अब आप सोचिए कि साल में 5 लाख अब सैलरी एफडी है ना, तो 40,000 की बात होगी, कितनी की बात होगी, 40,000 की। तो एक साल में अगर 40,000 से ज्यादा आप अर्न करते हैं तो यहाँ पे थ्रेशहोल्ड लिमिट 40,000 डाल देते हैं, ठीक है, 40,000 ये डाल दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट करवा लिया और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करवा लिया। तो यहाँ पर अब कितना इंटरेस्ट से अर्न किया, तो मान लीजिए कि 1,50,000 रुपए अर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 1,50,000, तो इतना अर्न हुआ इंटरेस्ट से, ठीक है, खाली इंटरेस्ट से ही इतना अर्न हुआ। अब यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो यहाँ पे युवराज नाम है क्रेडिटर पार्टी का, ठीक है, ये युवराज हमने दे दिया, एंटर किया। अब ये युवराज क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है हमारी, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आ जाएगा। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आ गया, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इज TDS डिडक्टेबल, तो बिल्कुल डिडक्टेबल है, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये डिडक्टी टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है, क्या है, बैंक है, जो भी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर अलग अलग चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या कर देना है, जैसे मैं यहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ही रख देता हूं फिलहाल के लिए, समझने के लिए। तो यहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर दिया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे पैन नंबर डालना जरूरी है, तो यहां पे पैन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, और प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस रखिएगा, और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे ना, TDS ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप सही से आपने सेटिंग करी है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एंटर करिएगा। फिर यहां पर ये एडजस्टमेंट एंट्री वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहां पे एंटर करते हुए नीचे आइएगा, फिर यहां पर भी एंटर करते हुए नीचे आइएगा, ठीक है, एंटर करिएगा। अब यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर अल्ट सी करके एक TDS का लेजर बनाइएगा, ये TDS हो गया, एंटर किया। अब इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो यहां से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिए, और यहां पे TDS कर लीजिए, और यहां पे नेचर ऑफ पेमेंट तो हमने बनाया ही है तो उसको डाल दीजिए, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो यहां पे 15,000 जो TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अब यहां पर आप नरेशन डाल दीजिए, TDS डिडक्टेड, डिडक्टेड, ठीक है, बस ये डाल दिया हमने, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो ये वो पहली एंट्री है। अब एक बार आपने ये कर दिया तो हर महीने आसानी के साथ होता चला जाएगा, अब आपको आपको सेटिंग अब दोबारा नहीं करनी, एक बार आपने सेटिंग कर ली तो काम हो गया। अब दूसरा जो हमारा है वो है सैलरी को लेकर के, ठीक है। तो अब अगर सैलरी मिलती है तो अल्ट सी करके हम बनाते हैं, तो SALARY सैलरी कर दिया हमने, एंटर करेंगे। अब सैलरी जो है क्या होगा,
हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये इनडायरेक्ट इनकम होगा, और कंपनी अगर सैलरी देती है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो कंपनी के लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे, और एक्सपेंसेस डालते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है, तो बिल्कुल सर्विसेज ही रहेगा, यहाँ पर यस करना मत भूलिएगा, और यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के, और अब यहाँ पर बनाएंगे भी, तो क्रिएट पे जाके टीडीएस ऑन सैलरी ये हमने बना लिया नेचर ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे सेक्शन क्या आएगा, तो देखिए टीडीएस ऑन सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 192 होता है, 192 होता है ये सेक्शन होता है। बाकी यहाँ पेमेंट कोड रिमिटेंस कोड जो है वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पर हम 10% ही रखते हैं और एंटर करते हैं। अब थ्रेश होल्ड की बात आएगी कि थ्रेश होल्ड कितना होना चाहिए, तो जरा सोचिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 होगी तो उस पे आपको टीडीएस भुगतान 5,00,000 तक का ये दिया गया, छूट दी गई है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है, तो अगर थ्रेश होल्ड लिमिट यहाँ पे हम 5,00,000 कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये भी महीने की बात है, हर महीने कटेगा, तो महीने के हिसाब से हम कितना कर देते हैं, अगर हम 40,000 करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 40,000 पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 50,000। ठीक है, 50,000 डाल देता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट, ये 50,000 डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पे आए, तो सैलरी इनको मिली कितनी, 70,000 मान लीजिए, 70,000 सैलरी है, तो यहाँ पे 70,000 डाल दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो वो क्रेडिटर पार्टी कौन है, तो उनका नाम है सपोज कीजिए रितेश, तो ये क्रेडिटर पार्टी है, और यहाँ पे ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो ये यस रहेगा, और बाकी यहाँ पर फर्म क्या है इनका, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ही है, यहाँ पे इस बार मैं गवर्नमेंट करता हूँ, और यहाँ पे टीडीएस यस रहेगा, और यहाँ पे पैन नंबर डालना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैन नंबर डाल देते हैं, ये हो गया पैन नंबर, और ये ध्यान रखिएगा कि पैन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पर ये डाल दिया हमने, ये हो गया, अब ये सही हो गया, अब यहाँ पे यस कर दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो गया, देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए टीडीएस डिडक्ट हो गया इसमें से, और बाद में चाहे तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो टीडीएस डिडक्ट हो गया। और यहाँ पर अब क्या होगा, अब टीडीएस का लेजर आएगा, तो टीडीएस का लेजर यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, तो ये एक बार बना लिया आपने तो किसी में भी काम कर जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए टीडीएस डिडक्टेड ऑन सैलरी, ये हो गया, एंटर कर दीजिए, सैलरी यहाँ पे लिखेंगे टीडीएस डिडक्टेड ऑन सैलरी, ये हो गया, एंटर कर दीजिए, तो ये काम हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है, अब होटल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि होटल के लिए कैसे आपको लगाना है, तो अगर मान लीजिए यही काम होटल के लिए करना हो, होटल आपने खोल रखा है, उस पर आपको इनकम जो होती है उस पर आपको टीडीएस जो है कटेगा, तो कैसे कटेगा, देखिए अल्ट सी करके बनाएंगे यहाँ पे, तो टीडीएस ऑन रूम रेंट, ठीक है, तो ये हो गया, एंटर करेंगे, और ये क्या जाएगा, ये भी किस में जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, होटल वाले के लिए किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ से एंटर करेंगे, अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पे यस रखना है, और फिर वही अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर आकर के एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे एक नेचर ऑफ पेमेंट हम बना लेंगे टीडीएस ऑन रूम रेंट, ये हमने बना लिया, एंटर किया, इसका सेक्शन क्या आएगा, तो सेक्शन आपको याद करने होंगे, 194 I एक सेक्शन होता है, उसी के अंतर्गत ही आएगा, तो यहाँ पे 194 I कर देते हैं, और यहाँ पर एंटर करके, और जो भी आपका पेमेंट कोड और रिमिटेंस कोड हो वो डालते हुए आगे आइएगा। यहाँ पर भी मैं 10 करता हूँ, किसी केसेस में 5% भी हो जाता है, लेकिन मैं 10 पे ही करके बता रहा हूँ आपको। तो अब होटल से कितना इनकम होता है, तो हर महीने मान लीजिए इनकम होता है आपका सपोज कीजिए 100,000 रुपए, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, तो 100,000 रुपए अगर आप इनकम जनरेट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टीडीएस डिडक्ट करवाना होगा, ये ध्यान दीजिएगा रूल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड 50,000 ही कर देता हूँ या 70,000 कर देता हूँ, 70,000,
तो यहाँ पे 70,000 थ्रेशोल्ड लिमिट करता हूँ, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए इनकम होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट 70,000 की ही है, ध्यान दीजिएगा, और ये 1,00,000 रुपए इनकम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे टीडीएस ऑन रूम रेंट कर दिया है हमने, तो इसको हमें चेंज करना होगा, यहाँ पे रेंट खाली करना होगा, टीडीएस ऑन रूम रेंट ना करके हम यहाँ पे रेंट कर देंगे, ये यहाँ पे आके लेजर पे आके और टीडीएस ऑन रूम रेंट जो बनाया है इसको खाली रूम रेंट कर देंगे, RWM रूम रेंट, ये हो गया। अब ये एकदम करेक्ट है, बाकी सारी डिटेल्स तो क्लियर ही है, यहाँ पे यस रखना है और ये देखिए ये तो ठीक है, ये सही है, ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये सही हो गया, अब यहाँ पे बी बटन प्रेस करके जनरल वाउचर में आके और टीडीएस ऑन रूम रेंट, तो ये रूम रेंट हो गया, तो 1,00,000 रुपए मान लीजिए कि रूम रेंट मिला, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो वही क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा, तो अगर सेम क्रेडिटर पार्टी है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए क्रेडिटर पार्टी अलग है तो यहाँ पे अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ वर्षा, वर्षा, ठीक है। अब ये हमने दे दिया, अब ये क्रेडिटर पार्टी है तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर कर देते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पर क्योंकि ये रेजिडेंस का मैटर है तो यहाँ पे आके अदर रेजिडेंस रेजिडेंट कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इनका पैन नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे ये हो गया, और ये ध्यान दीजिएगा ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे इस तरीके से। तो जब एक्सेप्ट करवाएंगे तो टीडीएस देखिए डिडक्ट हो गया है ऑटोमेटिक, आपको कहीं कहना नहीं पड़ा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई और एंटर करके यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पे टीडीएस का जो लेजर बनाया था पहले वाला वो चल जाएगा यहाँ पर, उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेट कर लेगा, और यहाँ पे देखिए ये बता भी रहा है टीडीएस कैलकुलेट करके कि कितना आपका टीडीएस कटा है। बाकी यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है। तो ये टीडीएस कट जाएगा इनका और एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट होता जाएगा, अब कोई कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।